पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पुणे पुलिस ने वांटेड शूटर संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया है। शूटर संतोष जाधव की गिरफ्तारी महाराष्ट्र में दर्ज हत्या के दूसरे मामले में हुई है। वह सिंगर हत्याकांड में भी वांछित आरोपी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पुणे कुलवंत कुमार सारंगल ने बताया कि संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग लॉरेंस बिश्नोई से और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कैसे जुड़े हैं इसकी जांच चल रही है। मामले में जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य जाधव और सूर्यवंशी को पुणे पुलिस के मंचर थाने में 2021 में दर्ज कराए गए हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुणे पुलिस के एक दल ने गुजरात के भुज से दोनों को गिरफ्तार किया है। मंचर मामले में जाधव एक साल से फरार था। जाधव और उसके साथी सूर्यवंशी का नाम मूसेवाला हत्याकांड में सामने आया है। दिल्ली और पंजाब सहित कई पुलिस दल उसकी तलाश कर रहे थे। पुणे देहात पुलिस ने तलाश अभियान के दौरान 2021 हत्याकांड के बाद जाधव को पनाह देने के आरोप में सिद्धेश कांबले उर्फ महाकाल को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। बिश्नोई गिरोह के सदस्य महाकाल को यहां मंचर थाने में दर्ज मकोका मामले में गिरफ्तार किया गया है। मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ और पंजाब पुलिस ने भी महाकाल से पूछताछ की थी। मुंबई पुलिस ने पटकथा लेखक सलीम खान और उनके बेटे अभिनेता सलमान खान को धमकी भरा पत्र भेजने के संबंध में भी महाकाल से पूछताछ की थी। पुणे पुलिस ने जाधव का पता लगाने के लिए पिछले सप्ताह कई दलों को गुजरात और राजस्थान भेजा था।